हाय फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम आज हम लोग सेकंड वीडियो बना रहा हूँ, सेकंड पार्ट है ये। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा है आप लाइक शेयर और कमेंट करिए। अगर कुछ डाउट होता है रिलेटेड वीडियो से और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको आसानी से मेरा वीडियो जो है आप तक पहुँच जाए। सो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम के लिए पूछा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट, टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। टू जो है वो सिर्फ अकेला ही है जो इवन प्राइम नंबर है। सो प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, सो इसमें ये जो थ्री फाइव सेवन इलेवन ये सब क्या है, ऑड नंबर। सिर्फ अकेला टू है जो क्या होता है, इवन नंबर। सो टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर, रिमेनिंग आर ऑड। नेक्स्ट पॉइंट, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर। वन जो है वो प्राइम नंबर भी नहीं है और कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है। सो कॉम्पोजिट नंबर हम लोग का क्या होता था, कॉम्पोजिट नंबर होता था फोर सिक्स एट नाइन, ये सब होता था। सो यहाँ पे देखिए, प्राइम नंबर टू थ्री फाइव सेवन इलेवन, कॉम्पोजिट फोर सिक्स एट नाइन, यहाँ पे देखिए वन नहीं है। सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर, ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। पॉजिटिव इंटीजर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो वन, नेगेटिव इंटीजर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो वन। सो जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं होगा और नेगेटिव इंटीजर भी नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर इंटीजर्स एंड रेशनल, बट कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू। कॉन्वर्सली मतलब उल्टा से सही नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, होल एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। कॉन्वर्सली का मीनिंग ये होता है रिवर्स की, ये सही नहीं है, बट वाइस वर्सा। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर सो वन, होल नंबर जीरो वन टू थ्री सो वन, इंटीजर जीरो वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू सो वन। फिर रैशनल नंबर जीरो वन टू थ्री, फिर माइनस वन हो जाए, फिर माइनस वन बाई एट माइनस टू, ये सब हो गया हम लोग का। सो यहाँ पे देखिए, एवरी नेचुरल नंबर ये जो वन टू थ्री फोर देखिए, ये आपका होल नंबर में भी है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, करेक्ट। देखिए यहाँ पे वन टू थ्री फोर जो है वो आपका नेचुरल नंबर जो इंटीजर में भी है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर। सेम थिंग आप देखिए, वन टू थ्री फोर जो नंबर है वो आपका रैशनल नंबर में भी है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर। कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू, कॉन्वर्सली मीन एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। क्यों ना, जीरो जीरो इज ए होल नंबर बट इट नॉट ए नेचुरल नंबर, सो ये गलत। फिर एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, बिकॉज माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ए नेगेटिव वैल्यू जो इंटीजर में नहीं है। सो एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये भी गलत। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में देखिए वन टू थ्री फोर सब है, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बट यहाँ पे जो माइनस वन बाई एट है नेगेटिव वैल्यूज है, बस सपोज वन बाई फोर फाइव बाई टू जो भी आपका रैशनल नंबर है फ्रैक्शनल वाला, वो सब जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये गलत। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, करेक्ट। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, बट कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली मतलब एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए नेचुरल, एवरी इंटीजर इज नॉट ए नेचुरल, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये गलत है। सो दैट्स व्हाई इट इज यूज एज ए कॉन्वर्सली, इट इज नॉट ट्रू। सो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू। तो हम लोग पहले
नेचुरल नंबर का बात कर चुका हूँ, अभी है होल नंबर। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। होल नंबर क्या था, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। फिर इंटीजर हम लोग का है 0, 1, 2, 3 यहाँ पे -1, -2 सो। सो एवरी होल नंबर मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 दिस वैल्यू लाइज इन इंटीजर। सो एवरी होल नंबर इज इंटीजर, बट एवरी इंटीजर मीन्स दिस नेगेटिव वैल्यूज इज नॉट ए होल नंबर, दिस इज नॉट ए होल नंबर। दैट्स वाई एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, बट कॉन्वर्सली नॉट ट्रू, मीन्स एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर करेक्ट, बट एवरी इंटीजर इज नॉट ए होल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या है ना, 0, 1, 2, -1, -2 तो रैशनल नंबर हम लोग जब लिखा था उसमें भी 0, 1, 2, 3 फिर -1, -2 सो ऑन। तो यहाँ पे लेकिन हम लोग का 1/2, 1 सपोज 3/2, 5/2 ये सब नंबर्स भी है। तो देखिए एवरी इंटीजर मीन्स 0, 1, 2 नेगेटिव वैल्यू सब यहाँ पे है, रैशनल नंबर में है 1, 2, 3, 0, -1, -2 सो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर करेक्ट, बट कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू। मीन्स एवरी रैशनल नंबर, सपोज आई एम टेकिंग 1/2, 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन वो इंटीजर नहीं है, ठीक। सो एवरी रैशनल नंबर इज ए इंटीजर, ये गलत है, इट इज ए फॉल्स। सो एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए इंटीजर। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू। इनके लिए क्या है ना, रैशनल प्लस इरैशनल इक्वल टू क्या होता था, रियल नंबर, हम लोग डिस्कस कर चुका हूँ। सो एवरी रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब सपोज 5/6 ए रैशनल, तो इनको हम लोग रियल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक, क्योंकि रैशनल नंबर है इनको हम लोग रियल बोल सकता हूँ। बट कॉन्वर्सली इट इज नॉट ट्रू, मीन्स एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर। व्हाई ना, रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल मिक्स्ड है दोनों। अगर सपोज मैं बोलूँ √2, दिस इज रियल नंबर, हाँ √2 इज रियल नंबर, क्या ये √2 रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा। सो एवरी रियल रैशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रैशनल, क्योंकि 5/6 रैशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो सकता है। एवरी रियल नंबर, सपोज मैं √2 ले रहा हूँ, √2 रियल नंबर, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। सो एनी टू रैशनल नंबर्स विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर। सपोज आप टू और थ्री दोनों रैशनल नंबर है, तो इनका बीच में आपको कितना रैशनल नंबर्स मिलेगा, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स। हाँ, तो यहाँ ये सब क्वेश्चन आता है, फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर दिया रहता है क्वेश्चन में। तो ये चीज़ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी दो रैशनल नंबर का बीच में उनको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर मिलेगा, बहुत नंबर मिल सकता है, अनकाउंटेबल। नेक्स्ट पॉइंट, 0 इज ए रैशनल नंबर। यहाँ पे डाउट, बच्चा कॉन्फ्यूज होता है, ऐसा नहीं होना है, 0 इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 0 मीन्स वी कैन राइट 0, डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। हम लोग का जो रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, p एंड q आर इंटीजर्स, 0 एंड 1 दे आर इंटीजर्स, एंड डिनोमिनेटर इज नॉट 0। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, 1 है। सो 0 इज ए रैशनल नंबर, कन्फ्यूज नहीं होना है, 0 रैशनल नंबर होता है। अगर सपोज कहीं दिया है 5/0 रैशनल और नॉट, तो 5/0 नॉट डिफाइंड होता है, और यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 0, तो तब ये रैशनल होगा ही नहीं। हाँ, डिनोमिनेटर 0 होने से रैशनल नहीं होगा, लेकिन अगर सिंपली 0 दिया गया है सो उसको हम लोग क्या बोलूँगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर इक्वल टू इरैशनल नंबर। कोई भी प्राइम नंबर हो उनका जब हम लोग स्क्वायर रूट होता है उनको हमेशा क्या होगा, इरैशनल नंबर होगा। ये जो 10 पॉइंट्स दिया गया है
इनको अच्छा से आपको समझना है, हाँ एनालिसिस करना है खुद से, ठीक, तो ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।